हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बनाएंगे बटर दाल तड़का और जीरा राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मूंग की पीली दाल ले लिया है। ये 2 कप दाल हमने लिया है, जिसको हम धो के आधा घंटे तक भिगा दिए हैं, और ये बहुत जल्दी गल जाने वाली दाल है। आप चाहे तो कोई भी दाल ले सकते हैं। और इसको हम एक बर्तन में ही बनाएंगे, क्योंकि इसको सीटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत आसानी से गल जाती है। तो फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और हाई पे रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें तेल, ताकि दाल उबल के बाहर ना आए। और इसको बॉईल होने देते हैं। जैसे बॉईल आएगा, लो फ्लेम करके इसको ढक के हम पकाएंगे गलने तक। और उसके साथ ही हम चावल चढ़ा दे रहे हैं, ताकि दोनों साथ साथ बन जाए। तो 20 से 25 मिनट में ये हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। एक बर्तन में हमने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है और उसको गरम कर लिया है। फ्लेम हमारा हाई पे है। इसमें डाल दे रहे हैं हम जीरा। तो जीरा राइस है, तो बहुत सारा जीरा डाला है हमने। जैसे ही जीरे में तड़का लग गया है, हम इसमें डाल दे रहे हैं 4 ग्लास पानी, और इसको बॉईल आने देते हैं। 2 कप हमने ब्राउन राइस लिया है। आप चाहे तो कोई भी चावल ले सकते हैं। इसको धो के हम डाल देते हैं। हमने चावल धो लिया है, तो 2 कप चावल लिया था, उसमें हमने डाले हैं 4 कप पानी। तो आपका जो भी माप रहेगा, उसके हिसाब से जितना चावल लेंगे, उसका आपको डबल पानी लेना है। 1 टेबलस्पून भर के हम डाल दे रहे हैं नमक, और इसको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स, और इसको पकने देते हैं। तो दाल अच्छी तरह से गल गई है, चलिए इसको बघारते हैं। तो बटर गार्लिक दाल के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून तेल, और 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं बटर। आप सिर्फ चाहे तो बटर में ही बना सकते हैं। गरम हो गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून जीरा, और 20 से 25 कली लहसुन बारीक काट के हमने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन को अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमने फ्लेम को लो पे कर लिया है, लहसुन लाल हो गया है। 1 टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और फौरन इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए। अगर आप टमाटर फौरन नहीं डालेंगे, तो लाल मिर्च जल जाएगी और इसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए, तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप मिर्ची डाले हैं और तेल बहुत गर्म है, तो आप फौरन गैस को बंद कर लें, ताकि मिर्ची आपकी जलने ना पाए। हमने इसमें डाला है पिंक सॉल्ट। बहुत थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी सॉल्ट डाला है पहले से, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने से टमाटर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अच्छे से गल जाते हैं। फ्लेम हमने लो पे कर रख दिया है, और इसको ढक के 5 मिनट तक पकाते हैं, ताकि टमाटर गल जाए। हमने पिंक सॉल्ट और गरम मसाला 100 बाइट का यूज़ किया है। आपको जो भी मसाले चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। 2-3 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे ढक के पकाया है। तो टमाटर अच्छी तरह से गल गया है, और बटर जो है आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और थोड़ा इस तरह से चम्मच से दबा देंगे, ताकि थोड़े जो टमाटर गले हुए हैं, वो अच्छे से मैश हो जाए। तो दाल जो हमने बॉईल की थी, उसमें हम ये डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। देखिए, लाल मिर्च पाउडर डालने से इसका कलर बेहतरीन आया है, और ये जब बॉईल होगी, तो इसका कलर और अच्छा आएगा। बहुत मसालेदार नहीं है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये दाल है। तो इसको बॉईल होने देते हैं। 1 से 2 मिनट दाल को बॉईल होने दे, और उसमें डाल दे अच्छे से कोथमीर। कोथमीर डालने के बाद अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स, ताकि कोथमीर का फ्लेवर अच्छे से दाल में आ जाए, और मसाला और बटर का फ्लेवर अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। तो ये दाल बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। दाल बनने तक चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, फ्लेम को हमने कर दिया है बंद, और बेहतरीन खिले खिले चावल बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो 25 मिनट में दाल और चावल बनके रेडी हो गया है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए हम सर्व करते हैं, और दाल का फ्लेम भी बंद कर देते हैं। तो बटर गार्लिक दाल और चावल बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से दाल और चावल ज़रूर बनाएं,
और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए कि आपकी दाल और ज़ीरा राइस कैसा बना। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।